प्यासा कब्बा। एक दफा का जिक्र है कि गर्मियों का मौसम था, एक प्यासा कब्बा था, कब्बे को बहुत प्यास लगी हुई थी। हाय, थोड़ा पानी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था, मगर उसको कहीं भी पानी न मिला। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा, वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। खुदा के शुक्र है, मुझे घड़ा नजर आया। कब्बा बहुत खुश हुआ। कब्बा घड़े के पास आया और देखा घड़े में पानी बहुत कम था। वो उसे पी पास ही कंकरियां पड़ी थी। उसने एक एक करके कंकरियों को घड़े में डाला और इस तरह पानी ऊपर आ गया। कब्बे ने पानी पिया और उड़ गया। नतीजा बच्चन ढूंढता ढूंढता जंगल से बाहर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे एक दाना बच्चा नहीं मिल रहा। बस तभी सामने काली कौवे को बाजू चुन लेती है। तो बाजू चीन काली कौवे को अपने पास बुलाती है। अरे कौवे, क्या हुआ? मैं इतने खरीद सकूं? काली कौवे की मौत की बात तो अब बाजू कौवे की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। वे तो भूखा ही मर जाएगा। अच्छा कौवे, तुम तो छोटी छोटी बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। अरे कौवा वहाँ से चला जाता है। काली कौवा घर आकर बाजू चीन की सारी बात राजू कौवे को बताता है। अरे पापा, ये आपने क्या कर दिया? आप बहुत सीधा था और आपने बाजू चील को ही मना कर दिया। आखिर हम कब तक ऐसे गरीब पक्षियों वाली जिंदगी गुजारेंगे? राजू कौवे की बात सुनकर काली कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, सामने घोंसले में मासूम कबूतर का बच्चा बैठा है। जल्दी से एक नन्हे कबूतर को पकड़ लेता हूँ। काली कौवा फौरन कबूतर के घोंसले में जाता है। अरे कालू अंकल, आप यहाँ कैसे? आपको कुछ काम था क्या? बस उसी समय कबूतर भी वहाँ पर आ जाता है। कबूतर को देखकर तो काली कौवा बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अरे काली कौवे, क्या हुआ? तुम मुझे देखकर, मैं तुम्हारे बेटे को लेने आया हूँ। हाँ हाँ काली अंकल, मुझे भी राजू कौवे के साथ खेलना है, चलें जल्दी। फिर काली कौवा झूठ बोलकर नन्हे कबूतर को बाजू चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कौवे, तुम्हारा जवाब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। देखना हम भी अमीर हो जाएंगे। ये सब बातें चल रही होती है कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। काली कौवे रात हो गई तक नहीं पहुँचा घर। क्या मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं है? वही कबूतर ने अपने बेटे के बारे में मुझसे पूछा तो जैसे मेरी सास ने आप पकड़े ही ना जाएं। वैसे राजू, मेरे पास एक उपाय है, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चेड़ा राजू कौवे के घर पर जा रहा होता है। फिर मानो चेड़ा राजू कौवे के घर पर चला जाता है। चलो मानो चेड़ा तो चला गया, अब जल्दी से पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, उसके बाद भोजन भी तो पकाना है मुझे। मीनू चिड़िया जैसे ही सफाई करने लगती है तो मीनू चिड़िया को सामने तोहफा दिखता है। अरे नहीं, ये तोहफा तो मैंने चिड़िया ने राजू कौवे के लिए लिया था और ये यहीं भूल कर चला गया। चलो जल्दी से दे आती हूँ उसे। फिर मीनू चिड़िया भी काली कौवे के घर पर चली जाती है। पापा, मेरे सभी दोस्त घर में हैं, बस अब आप जल्दी से कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। काली कौवे और राजू कौवे की ये सारी बातें तो चिड़िया फौरन काली कौवे के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया सारे नन्हे पक्षियों को बचाकर वहाँ से ली जाती है। चला मीनू चिड़िया की वजह से आज मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया सारी बातें पक्षियों को बताती है। बेटा, राजू चील का भोजन बन गया, बस काली कौवे को नहीं तोड़ते सजा के लिए राजू कौवे को ही क्यों मिले, कौवे को खुश रहेगी। अगर हम जाकर काली कौवे से कहें, लेकिन इससे पहले मीनू चिड़िया हमें राजू कौवे को पकड़ना होगा और कहीं छुपाना होगा उसे। मीनू चिड़िया तो फिक्र ही मत करो, मैं जाता हूँ और किसी भी तरह राजू कौवे को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहते जगू पक्षी राजू कौवे को पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जगू पक्षी वही दूसरी तरफ सब पक्षी काली कौवे के पास आते हैं। काली मैं बता रही हूँ, बाजू चील ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर काली कौवा गुस्से में बाजू चील के पास चला जाता है। अब तो देखना पक्षियों, बाजू चील काली कौवे को नहीं छोड़ेगी और उसे मार डालेगी। बाजू चील, मैंने तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ही धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब काली कौवा जैसे ही बाजू चील को मारता है, बाजू चील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाजू चील काली कौवे को बहुत गुस्सा से मारने लगती है।
बस देखते ही देखते बड़ी चील गुस्से में कालू कौवे को जान से मार देती है। बड़ा आया मुझसे मुकाबला करेगा, कमजोर कौवा अपनी जान से ही हाथ धो बैठा, चलो अब इसी को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। फिर बड़ी चील कालू कौवे का मांस खाने लगती है और इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ राजू कौवे ने